निमाड़ अंचल को कपास की खान माना जाता था, लेकिन बीते 15 से 20 साल में लगभग 50% कपास उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात पलायन कर गए हैं। पहले दिवाली के त्योहार पर मध्य प्रदेश में रौनक होती थी, वहीं बीते सालों में लगभग 200 जीनिंग फैक्ट्रियों के पलायन से वहां पर मजदूर सड़क किनारे फल और सब्जी बेचने को मजबूर हैं। इन जीनिंग फैक्ट्रियों के पलायन का कारण सरकार की उद्योग नीति बताई जा रही है। कपास उद्योग के लिए मध्य प्रदेश को छोड़कर जीनिंग फैक्ट्री मालिकों को महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा सुविधा मिल रही है। मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स 1.70 रुपए है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में महज 50 पैसे। इसके साथ ही कई और भी सुविधाएं मध्य प्रदेश की अपेक्षा अन्य राज्यों में बेहतर हैं। उधर मध्यांचल कॉटन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष का कहना है कि मंडी टैक्स ज्यादा है और सरकार की उदासीनता के कारण यहां से पलायन हो रहा है। खरगोन समेत निमाड़ अंचल से 50% सफेद सोने के उद्योग का पलायन हो चुका है। करीब 200 फैक्ट्रियां पलायन कर गई हैं। पहले दिवाली पर सफेद सोने की फैक्ट्रियों में रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन अब दिवाली पर बहुत ही कम फैक्ट्रियां बची हुई हैं। कॉटन व्यापारियों का मानना है कि खरगोन समेत पश्चिमी निमाड़ के चारों जिलों में कपास का उत्पादन नहीं बढ़ने से जिनिंग फैक्ट्रियों का पलायन हुआ है। मध्य प्रदेश में कॉटन और कृषि उद्योग को बिजली 9.5 रुपए यूनिट पर मिल रही है, जबकि महाराष्ट्र में सब्सिडी सहित मात्र 4.5 रुपए यूनिट में बिजली मिलती है। फैक्ट्री में पलायन से सबसे बुरा असर मजदूरों पर पड़ा है। मजदूर राधा भाई मजदूरों का कहना है कि कई मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान पलायन कर गए हैं, और जो नहीं कर पाए वो सड़क किनारे केले के चिप्स, सब्जियां और आदि दूसरी चीजें बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मजदूरों की हालत काफी दयनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।